ये आत्मदर्शन हमको हुआ था, उनके पास से हुआ था। 2 घंटे का उन्होंने, इसको टाइम नहीं लगता है। ज्ञानी, जो असल ज्ञानी अर्जुन के पास, अर्जुन को कितना टाइम लगा था कृष्ण के पास? शॉर्ट टाइम। युद्ध में थोड़ी देर बाजू में ले जाकर बात की, उतनी, 1-2 घंटा मैक्सिमम, ऐसा ही इनका था। And that's my experience. In 1968, after 2-hour session with him, इस रिलेशन का सेशन होने के बाद नॉट अ सिंगल मोमेंट मेरी ये अवेयरनेस गई नहीं है कि मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ये बॉडी माइंड स्पीच मैं हूँ, ऐसा नहीं लगा। ऑटोमेटिक, स्पॉन्टेनियस। बिफोर दैट I was not into any religion. On the contrary, मुझे ये सब हम्बक लगता था। My mother was Krishna भक्त, so every day ½ an hour वो कृष्ण की भक्ति करती थी, ½ an hour के घंटा माला करती, पाठ करती, दिया आरती करती। तो मुझे ऐसा होता था कि ये आधा घंटा करती है, बाकी के 23.5 घंटे का क्या, कितनी गड़बड़ करती थी, कितना गड़बड़ घोटाला कर देती है। दिस इज़ नॉट द राइट वे, दिस इज़ नॉट द ट्रू रिलीजन। देयर शुड बी समथिंग अचीवमेंट। सो उनका डेफिनेशन ही था रिलीजन का, नॉट स्पिरिचुअल साइंस एंड रिलीजन्स, टू डिफरेंट थिंग। अध्यात्म और धर्म 2 टोटल डिफरेंट थिंग्स है। आप जो बता रहे तो सब धर्म है, अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म का मीनिंग ही होता है आत्मा की सन्मुख होना, टू अप्रोच नियर एंड नियर टूवर्ड्स आत्मा, उसको कहते हैं अध्यात्म, आत्मा के सन्मुख होना। वो अगर बात नहीं है आप भक्ति करो, कृष्ण की करो, राम की करो, इसकी करो, जिसकी बताए उसकी, लेकिन हम कौन से राम को, कौन से कृष्ण को कृष्ण बोल के भक्ति करते हैं। श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को तो साफ बताया गीता में कि तू जिस तरह से मुझे पहचानता है वह मेरा असल स्वरूप है ही नहीं, तू मुझे आज तक पहचान ही नहीं सका है कि नहीं। ये बात तो रात दिन साथ में रहने वाला, इतना क्लोज था अर्जुन कृष्ण से, तो उनको ऐसा कहना पड़ा। तो आज 5000 साल के बाद कौन सा मायका लाल पहचान सकेगा श्री कृष्ण भगवान के असल स्वरूप को। उन्होंने स्पष्ट कहा कि तू जिसको देखता है वो तो मैं है ही नहीं, मैं ये नहीं हूँ। तो वहाँ ही आ जाता है कहाँ हम, वो कहाँ थे, कौन सी अंडरस्टैंडिंग में थे और हम आज कहाँ हैं। स्पष्ट बताया, लेकिन सबको मालूम है ये बात बताया, लेकिन हम किसी को अंदर क्लिक नहीं होता है कि तो फिर मैं किसको श्री कृष्ण सब समझता हूँ, मैं किसको रियल स्वरूप को पहचानता हूँ, मैं कौन किसको मानता हूँ कृष्ण। फिर आगे उन्होंने स्वयं उसको पहचान करवाई कि भाई मैं ये देह स्वरूप नहीं हूँ, शरीर तो विनाशी है, इसको जला देने वाला है, मैं आत्मस्वरूप हूँ, परमात्मा स्वरूप। सबके अंदर वही स्वरूप है, आत्मवत् सर्वभूतेषु। तो भी वही पॉइंट आ गया, तेरे अंदर भी मैं वही हूँ, मेरे मैं भी हूँ, सबके अंदर मैं हूँ। यहाँ तक कहा कि अनंत जन्मों से, अनंत काल से अनंत जन्म तूने लिए है और मैंने भी लिए है, फर्क सिर्फ इतना है कि तू भूल गया और मुझे सब ख्याल है, यानी हो गया सबके जैसा ही, समान हो गया। रियलाइजेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। ही हैड दैट रियलाइजेशन कि मैं आत्मा हूँ, मैं ये बॉडी नहीं हूँ। जन्म तो मेरे भी अनंत हो गए, तेरे भी हो गए, अनेक जन्म हो गए। तुझे इसका ख्याल नहीं है, मुझे ख्याल है। आई हैव रियलाइज एवरीथिंग, द इम्पोर्टेंस इज विद दैट। सो ये सब पॉइंट जब तक हमको क्लिक नहीं होते तब तक हम भी अंधेरे में। गीता लाख पढ़ो ना, लेकिन फिर जब कृष्ण की बात आती तो हम वो मुरली वाले, गाय वाले, गीता वाले, राधा वाले ही कृष्ण को मानते हैं। सचमुच दरअसल कृष्ण तो खुद स्वयं बताते हैं कि मैं ये मेरा फिजिकल तो सबका हैंड आने वाला है। उनको भी वो हंटर का तीर लगाया, पौड़ी भी फिनिश हो गई, उनकी भी नहीं, सबकी हो गई। महावीर का भी निर्वाण हो गया, रामचंद्र जी भी मोक्ष में चले गए, उनका भी निर्वाण, सबका बॉडी का तो एंड हो गया। वो स्वयं कहते थे ये सब एंड वाला है और हम वो नहीं है। आपको भी सबको वही बताते हैं कि आपकी बॉडी का भी एंड होने वाला है, आप वो नहीं है। फिर भी हम बॉडी को ही मैं हूँ मानते हैं, और ये जो है वो भी बॉडी वाले को ही भगवान मानते हैं। जब तक ये दृष्टि हमारी नहीं खुलती है कि ये तत्व स्वरूप है, परमात्मा स्वरूप है, यह ज्ञान जब तक हमको नहीं ओपन होता है, हमारा विज़न नहीं खुलता है, तब तक हम वहाँ के वहीं हैं। नो अचीवमेंट इन अध्यात्म। धर्म में हो सकता है, आप पुण्य कमा सकते हो, बड़ी बड़ी अच्छी भौतिक सुख मिल सकते हो, अच्छी गति में जा सकते हो, देव गति में भी जा सकते हो, सब कुछ हो सकता है, बट नॉट टुवर्ड्स साल्वेशन। दैट पाथ इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दिस पाथ। ये डिमार्केशन की ज़रूरत है, और ये इन्होंने बताया है। और जिसको आज वह डिमार्केशन हो जाता है ना, रियल एंड रिलेटिव, आई एंड माई, परमानेंट एंड टेम्पररी, माइंड स्पीच एंड बॉडी एंड सोल, इसका जिसको डिमार्केशन हो जाता है वही ज्ञानी कहता है, वही इसने सच्चा अध्यात्म अचीव किया है। और उसका वहाँ यहाँ से मोक्ष का स्टेज स्टार्ट हो जाता है। मोक्ष दो स्टेज में है, एक फर्स्ट स्टेज का मोक्ष यहाँ इसी लाइफ में होना चाहिए, इसको जीवन मुक्त दशा कहते हैं। जहाँ तक इस लाइफ में नहीं होता है हमको अचीव, तब तक सब बातें हवा में है। यही फर्स्ट स्टेज का मोक्ष यानी क्या, अज्ञान से मुक्ति। अज्ञान काहे का, मैं कौन हूँ उसका, हु एम आई। आप तो हमें अभी तक, आप खुद को क्या, आपका नाम क्या है? सुरेंद्र दलाल, इंडिया, अहमदाबाद में रहता हूँ। और उधर फ्रीमोंट में मेरा लड़का स्टोर चलाता है, कन्वीनियंस स्टोर, और मैं 5 वर्ष से ये थीसिस के पीछे हूँ। और आई एम ट्राइंग स्टिल, आई कुड नॉट गेट, बट ओनली वन थिंग आई गॉट बाय के जो नाम स्मरण और जाप, वो दोनों से रियलाइजेशन होता है। ये प्रत्यक्ष मैंने भी अनुभव किया है, मगर प्रभु निराकार स्वरूप में के साकार स्वरूप में नहीं दिखता है, पर अपना शरीर के अंदर जो टेम्पटेशन होता है और जो अपने को प्रभु अपने पास बैठे है ऐसा अपने को लगता है, अपने को खींचता है, वो अनुभव हुआ है। मगर जाप से जास्ती होता है, नॉट नॉन स्टॉप 7 to 8 hours श्री कृष्णम शरणम मम, कोई भी जाप लो तो आप रियलाइज़ कर सकते हो। वो मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया था, और एक आपके जैसे स्वामी ने बताया था, तो मैं करता हूँ। और अभी भी मैं 6 to 7 hours जाप के पीछे हूँ, और इससे मैं आई वॉन्ट टू प्रूव द वर्ल्ड दैट यू कैन रियलाइज आइदर इन निराकार और साकार स्वरूप द गॉड बाय ओनली रिमेंबरिंग हिम नॉन स्टॉप। इवन इफ आई वॉक आई रिमेंबर श्री कृष्णम शरणम एट माई हार्ट, इवन आई स्लीप आई रिमेंबर श्री कृष्णम शरणम, बट स्टिल द फाइनल स्टेज आई कुड नॉट हैव रीच्ड। So therefore I am not submitting the thesis until I myself get the experience. मैंने मुझे पूरा अनुभव हो जाए, पीछे मुझे करना था। आपका अनुभव से भी अच्छा हुआ कि आपको भी अनुभव हो गया, that's good thing. And I also, हमारा तो ज्ञान मार्ग है, जप योग नहीं है। श्री कृष्ण भगवान ने स्वयं अर्जुन को बताया है जो नामस्मरण का बात, जो गीता में बताया ना श्री कृष्ण भगवान ने नामस्मरण की बात, जप योग की बात। तो उन्होंने कहा कि यही कलयुग में सर्वश्रेष्ठ है, सरल में सरल उपाय है, और ये करने से तेरा उद्धार है। सेल्फ रियलाइजेशन की बात नहीं कही, आत्मज्ञान होगा ऐसा नहीं कहा है, उद्धार होगा ऐसा कहा है। वे उद्धार की व्याख्या तो हर एक ने अपने अपने तरह से समझने की बात है। बहुत सारी बातें बताई है श्री कृष्ण भगवान ने गीता में। एक ये फिर दूसरा राजयोग की बात बताई, तब यही कहा कि इससे तेरा उद्धार है, यही करना। फिर वैराग की बात बताई तो कहा कि वैराग के बगैर तेरा कुछ नहीं होगा, यही अल्टीमेट थिंग। फिर कर्मयोग की बात बताई तो इसके बगैर नहीं कुछ होगा। भक्ति मार्ग, भक्ति योग की बात बताई, भक्ति योग ही अल्टीमेट थिंग है, उसके बगैर कुछ नहीं होगा। फिर हर एक बार जो भी कुछ बताया उन्होंने, तो जिस अध्याय में जिसकी बात आई है उसको ही सर्वश्रेष्ठ बताया है। तो गीता पढ़ने वाला कंफ्यूज हो जाएगा कि हर एक को सर्वश्रेष्ठ बताया है तो मैं कौन सा करूं। तो फिर आज क्या होता है, फॉलो करने वाले साधु संत को या सामान्य लोग, उनको क्या प्रॉब्लम होता है कि जिसकी प्रकृति में जो फिट होता है, इजी लगता है और वो कर सकता है, वह लेकर आगे बढ़ता है। समझ में आया, अचीव करने। लेकिन श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को इस सारी चीज़ में से कुछ नहीं कराया, क्योंकि कोई क्रिया करने से, ये क्वेश्चन आता है शैलेश भाई का, कोई क्रिया करवाती आत्मा प्राप्ति ना थाय तो केवी रीते आत्मा शुद्धि थई शके। शैलेश, हु इज शैलेश? दैट इज उनका क्वेश्चन है कि कोई क्रिया करने से आत्मा प्राप्त नहीं होता है तो फिर आत्मशुद्धि किस तरह से हो सकती है, इनका ये प्रश्न है। क्रिया, कोई क्रिया, आत्मा, जो एलिमेंटल फॉर्म ऑफ आत्मा, रियल आत्मा, वह शुद्ध ही है, त्रिकाल शुद्ध है, कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं है। यह भ्रांति है कि मेरा आत्मा अशुद्ध हो गया है, यह भ्रांति है कि मैं शैलेश हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मैन हूँ, मैं इसका फादर हूँ, मैं इसका सन हूँ, मैं इसका हस्बैंड हूँ, यह सब भ्रांति है, रॉन्ग बिलीफ है। मैं अशुद्ध हूँ, यही भी रॉन्ग बिलीफ है। रियल में आप शैलेश है ही नहीं, शैलेश तो आपका नाम है। ये दो एलिमेंट पास पास में है, मिक्सचर है, इसलिए ऐसा लगता है। मिक्सचर में एलिमेंट्स है, ओरिजिनल एलिमेंट्स में कुछ चेंज नहीं होता है, दे आर देयर बट इन देयर ओरिजिनल प्योर फॉर्म। ओनली थिंग वन हैज़ टू सेपरेट देम टू अचीव द ओरिजिनल एलिमेंट। दैट सेपरेशन, फॉर दैट यू गेट टू गेट द सेपरेशन ऑफ दैट एलिमेंट यू हैव टू गो टू सम साइंटिस्ट, here also spiritual scientists, in the only thing you need some scientists. समझ में आया ना? तो ये वर्ली कोई क्रिया से आत्मा की प्राप्ति नहीं होती है। अर्जुन को श्री कृष्ण भगवान ने कोई चीज़ नहीं करवाया, हाँ उसको ज्ञान दिया, आत्मा का ज्ञान, आत्मा क्या है क्या नहीं है, कैसा है कैसा नहीं है, यह ज्ञान से प्राप्त हुआ है उसको। और आत्मा का स्वभाव ही, उसका प्रॉपर्टी भी ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान, ओनली ज्ञान, एब्सोल्यूट ज्ञान। महावीर भगवान ने भी आत्मा को ज्ञान से ही प्राप्त किया है, वशिष्ठ मुनि ने रामचंद्र जी को भी ज्ञान दिया, तो ज्ञान से ही प्राप्त होता है। हाँ, आप जो बाकी की जो क्रिया करते हैं उसको आप, उससे आपके मन की शुद्धि होगी, आपके विचार शुद्ध होंगे, आपकी वाणी शुद्ध होगी, वो सब होगा, आचार विचार उच्चार ये सब शुद्ध होगा। ये आपको हेल्पिंग है। लेकिन आत्मा के अचीव, आत्मा को जानना, उस स्वरूप में आने के लिए तो ज्ञान चाहिए, आत्मा का ज्ञान। जहाँ तक आत्मा का ज्ञान नहीं होता है वहाँ तक अल्टीमेट वहाँ आना, वहाँ आ गए आत्मा का ज्ञान तो ऑटोमेटिक से जाप, तो क्या जपा जाप होता है, आत्मा का ही स्वरूप हो जाता है, आत्मयोग होता है। योग का भी अल्टीमेट अचीवमेंट आता है। योग दो प्रकार का, एक अनात्मयोग और दूसरा आत्मयोग। आत्मा जाने बगैर जो भी कुछ योग करते हैं वह अनात्मयोग है, मन का योग है, देह का योग है, वाणी का योग है। और आत्मा जाने बगैर आत्मा का योग हो कैसे सकता है? योग मीन्स टू यूज, मीन्स टू ज्वाइन। आत्मा जानने के बाद उससे आत्मा आप ज्वाइन होते हैं और आत्मा का अवेयरनेस रहता है। भक्ति योग, भक्ति बोले तो भक्ति दो प्रकार की बताई है, गीता की बात बता रहे हैं। भक्ति दो प्रकार की बताई है, परोक्ष भक्ति और प्रत्यक्ष भक्ति। परोक्ष भक्ति यहाँ जहाँ तक आप फॉर एग्जाम्पल कृष्ण भगवान की भक्ति करते, लेकिन आपको जब तक कृष्ण भगवान का असल स्वरूप नहीं पता चला, उसका रियलाइजेशन जब तक आपको नहीं होता है, तब तक आपकी भक्ति परोक्ष कही जाती है। आपको जो गाय वाले कृष्ण, गीता वाले, राधा वाले, जो भी कृष्ण आपको दिखते हैं वो सब परोक्ष है। प्रत्यक्ष भक्ति जब रियलाइज, अर्जुन को जब रियलाइजेशन तब प्रत्यक्ष हुआ, तब तक उसका भी बाजू में बैठा था तो भी परोक्ष था। लियो, और जो प्रत्यक्ष यानी उसको पता चलता है कि कृष्ण ये स्वरूप से नहीं, आत्म स्वरूप है, परमात्मा स्वरूप है, और जीव मात्र के अंदर भी वही स्वरूप से है, आत्म स्वरूप है। मेरे अंदर मैं भी आत्म स्वरूप हूँ, मैं ये शरीर स्वरूप नहीं हूँ। यह जब क्लिक होता है तब प्रत्यक्ष भक्ति शुरू होती है। प्रत्यक्ष भक्ति ने खुद अपने सुरेश भाई अपने आत्मा की भक्ति दिन रात करता है, दो अलग है, ऐसा अवेयरनेस में आने के बाद तब मोक्ष में एंट्री होती है। यू हैव एंटर ऑलरेडी इन द गेट ऑफ मोक्ष। नहीं तो उसके बाहर, मोक्ष के बाहर के गेट के बाहर आप कितना भी घूमो, आओ जाओ, नो प्रॉब्लम, लेकिन एंट्री नहीं आती है। एंट्री तो जब ये होता है, आत्मा का अनुभव होता है। मैं आत्मा का अनुभव बोले तो क्या, अभी आपको सुरेश का अनुभव है, मैं सुरेश हूँ, यही आपको अवेयरनेस में रहता है। यहाँ तक कि आप 8 घंटे जाप करोगे, लेकिन मैं सुरेश हूँ करके ही जाप करते हो ना, मैं आत्मा हूँ करके करता ही नहीं। आत्मा हूँ करके करने की ज़रूरत ही नहीं रहती, फिर आप स्वयं कृष्ण होते हैं। कृष्ण से आप अब अलग नहीं रहते हैं, यू एंड कृष्ण रियल स्वरूप में एक ही हो जाते हैं। जब तक डुअलिटी है तब तक भेद है, भगवान अलग और मैं उसका भक्त अलग, तब तक रियल रियलाइजेशन नहीं होगा। और भक्त और भगवान दो अलग नहीं है, एक ही है, वो ही आत्मा स्वरूप है, मैं भी आत्मा स्वरूप है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं बताया, अर्जुन तू ये अर्जुन नहीं हूँ, मैं ये कृष्ण नहीं, मैं आत्मा हूँ और तू भी आत्मा है, और सबके अंदर मैं वही स्वरूप से है, वही सब मेरा स्वरूप और उनका स्वरूप एक ही है। द एंड ऑफ ऑल एवरीथिंग, दैट इज द अल्टीमेट थिंग। सेम थिंग फॉर अस ऑल्सो। हमारे अर्जुन की जगह पर हम अपने को रख दें तो फिर बाद में कोई रहता ही नहीं है अलग। अब भेद, फिर भक्त और भगवान का भेद छूटकर अभेद स्वरूप, मैं और भगवान अपने आत्मा एक ही है, सेपरेट नहीं है। नरसी मेहता ने बहुत भक्ति की श्री कृष्ण भगवान की, उसके जैसी भक्ति करने वाला आज वर्ल्ड में कोई नहीं है, इतना टॉप लेवल का था। फिर भी उसको कहना पड़ा, जहाँ लगी आत्म तत्व चिन्हो नहीं, तहाँ लगी साधना सर्व झूठी। जो इतना सारा करना फिर भी झूठा कह दिया, आत्मा नहीं जाना। तो बड़े बड़ी भक्तानी भी बोली उठी कि आत्मा जाने बगैर, आत्मा जाने बिना हमारा लखरे 84 न फेरा कैमरे से। सो यह सब इन्होंने जहाँ जहाँ कहीं कहीं ऐसी अल्टीमेट बात कर दी है एट द एंड। वह जब जहाँ तक हम हमारे अंदर क्लिक नहीं होती है, इसका इम्पोर्टेंस नहीं समझता है, वहाँ तक हम सच्चा पा नहीं सकते। Yes. My question is the number of souls in the world, is it finite or is it growing? Because there's more and more people that are being born. So if that is the case, then why do we keep having more and more souls? And then the second part of the question is, if the soul is pure, then when the soul is born in a human body, why does it become impure? And what is the whole idea about all this? First thing, your first question. See, number of आत्मा का नंबर वर्ल्ड में यूनिवर्स में कांस्टेंट है, इनफिनाइट है, अनंत कहते हैं उसको। इनफिनाइट मीन्स अनंत। अनंत में से माइनस अनंत करो तो भी अनंत रहेगा, अनंत में प्लस अनंत करो तो भी अनंत रहेगा। इन्फिनाइट माइनस इन्फिनाइट इज इक्वल टू इन्फिनाइट, इन्फिनाइट प्लस इन्फिनाइट इज इक्वल टू इन्फिनाइट। समझ में आया? तो आपको लगता है कि यूँ इतने सारे ह्यूमन, वाई दे आर मोर, राइट? तो ह्यूमन्स बढ़ गए तो फिर वहाँ देखो वो जानवर सब कम हो गए, लायंस एंड टाइगर्स एंड सब का बस्ती कम हो गई। यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र हुई, यहाँ से वहाँ ट्रांसफॉर्मेशन। उसमें भी एक प्रश्न है, अगर जानवर कम हो गए और ह्यूमंस ज़्यादा हो गए, इसका मतलब यह है कि souls are becoming purer because human soul is supposed to be more advanced than animal souls. But we are seeing that over course of time, there is more anyaya in the world rather than less. So how does this all make sense then? Oh, क्या हुआ है? Animals suppose 32 marks 33 मार्क्स से पासिंग होता है अपने इंडिया में। 33 मार्क्स में पास होता है और 32 में फेल होता है, तो एनिमल का 32 में आता है और 33 हो गया तो ह्यूमन हो गया। तो अभी जो पासिंग वाले हैं ना इंडिया एनिमल्स में से ह्यूमन में आने वाले है तो ह्यूमन, लेकिन वो 33 मार्क्स वाले हैं, एक मार्क ही ज़्यादा है एनिमल से, और वो एक मार्क तो उसका बॉडी में चले गया, बाकी उसका अंदर का वर्च्यूज प्रॉपर्टीज तो सब एनिमल जैसा ही है। दैट्स वाई यू आर फाइंडिंग लाइक दैट। इम्प्रूवमेंट हुआ है लेकिन बहुत कम हुआ है। और ये जो बस्ती है ये बढ़ती है फिर कम होती है, बढ़ती है कम होती है, साइकिल चलते रहता है, हानि वृद्धि का। समझ में आया ना?